पूरे देश के साथ द्वारस के सभी इलाकों में चाय बागानों में करम पूजा उत्सव बड़े ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है। करम राजा की कथा वहां के पुजारी करते हैं और यह सनातन धर्म रीति रिवाज के अनुसार अन्य धर्म के मानने वाले लोग भी जो आदिवासी समुदाय के हैं वह इस पूजा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस पूजा में कथा होती है और रात भर नृत्य गीत गाकर इस उत्सव को मनाया जाता है। बहनें अपने भाई के मंगल कामना के लिए यह पूजा करते हैं और बाकी सभी समुदाय के लोग आदिवासी समुदाय के लोग यह अपने मंगल कामना के लिए पूजा करते हैं। देखिए यह न्यूज। इस कार्यक्रम के दौरान ग्रास मोड़ में करम पूजा उत्सव के मौके पर मेला का आयोजन किया गया जहां भव्य आयोजन की गई। नमस्कार प्रिय मित्रों, एनआई द्वास न्यूज की ओर से समस्त द्वास वासियों को करम पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जोहार। आप देख रहे हैं एनआई द्वास न्यूज, मैं हूँ रमन कुमार झा। द्वास भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ में आदिवासी समुदाय द्वारा करम पूजा का उत्सव आज मनाया जा रहा है। यह पर्व मुख्य रूप से भाई के लंबी उम्र के लिए बहन करती है। 9 दिन का यह पर्व होता है। सनातन धर्म में भी इस पर्व को लेकर बहुत व्याख्यान है। इस कथा को जब सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। और इस पर्व को लेकर पूरे द्वारस भर में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप ग्रास मोर, नगरागट्टा, बानरहाट, बीनागुड़ी, हल्दीबाड़ी, बीरपड़ा, कालचीनी, माल बाजार इलाके सहित पूरे द्वारस में करम पूजा को लेकर आज भव्य उत्साह देखने को मिला। महिलाएं पूरे अपने भाइयों के लिए मंगल कामनाएं की, वहीं अपने इलाके के फसल के लिए भी इसमें शुभकामनाएं प्राकृतिक देवी देवताओं से मांगा जाता है, जिससे हमारा फसल अच्छा हो। धान, गेहूँ एवं चाय बगान इलाके में रहने वाले लोग चाय की फसल अच्छी हो, इसकी भी कामना करते हैं। तो आप देखेंगे एनआई द्वारस न्यूज के माध्यम से कहाँ कहाँ यह कैसे उत्सव मनाया गया। कुछ लोगों का हमने स्टेटमेंट भी लिया है, तो ये करम पूजा उत्सव का खबर आप जरूर देखिए। कल 26 तारीख को पूरे द्वारस भर के सभी नदियों में करम राजा का विसर्जन होगा। यह उत्सव काफ़ी सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण और खुशी के माहौल को लेकर द्वारस में आती है। इसे लेकर राज्य सरकार ने भी छुट्टी का ऐलान किया है, जो पूरे द्वारस में पूरे आदिवासी समुदाय इस करम पूजा उत्सव को भव्य रूप से मना पाए। तो देखते रहिए एनआई द्वारस न्यूज, YouTube, Facebook पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। जय जोहार। आज करम पूजा जो होत है एक का विधान होला और काले मनाल जाला सब ये भादो एकादशी हर साल बालक कुमारी लोग पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं कि उन लोग का ससुराल अच्छा हो, सास ससुर अच्छा हो, संतान अच्छा हो, इसलिए करम को उसको लोग 9 दिन तप रखते हैं। और उस डाल को एक पहाड़ के साइड में रहता है करम राजा की गज, उसको सुबह में मॉर्निंग में काटने जाते हैं पूजा ध्यान करके। उसका गज का पेड़ में बहुत किस्म का नेक नियम होते हैं, वहाँ से काट के एक कपड़ा में लाते हैं। और अभी अभी जो ग्राम में अभी थान में उसको पूजा करके स्थापना किया गया है। हाँ, स्थापना कर गया है और अभी उसको टच होने नहीं दिया। और अभी हमारा कहनी कथा हो रहा है, सब हमारा बालक जो है तपास रखा रहा है जो बाल कुमारी। जो बहने अपने भाई के लंबी उम्र के लिए भी यहाँ पर हाँ उनको प्रार्थना करती है, उसको भाई के माने उम्र के लिए भी प्रार्थना प्लस अपना जीवन भविष्य के लिए भी लोग तप रखते हैं। करम राजा को मानते हैं और मानते आते हैं और वो बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं अपना ससुराल में, घर में, दूरा में, जीव में, सवांग में। हाँ, इसलिए हर सालों साल इसको मानते हैं सर, इस दिन में भादो एकादशी के दिन में। सर आपका क्या नाम है? विश्वनाथ महाली। क्या है करम पूजा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? करम पूजा को लेकर के बहुत उत्साह है।
हमारा नगरकट्टा ब्लॉक नहीं, पूरा हमारा भारत देश में हम लोग का उत्सव है। और ये हमारा जो करम पूजा किया है उसके लिए हमारा जो बहन है वो अपना भाई के लिए 9 दिन का उपवास रहता है, और इसका लेके वो अपना जावा धर के उसी दिन से वो अपना शुद्ध रह के अपना भाई के लिए अपना मनोकामना के लिए पूरा करता है। और ये करम पूजा जो होता है हम लोग को बहुत पुरखा से होता है, और ये हमारा करम पूजा जो हम लोगों को है वो हम लोग का यहाँ नहीं, पूरा द्वारस में हम लोग का करम पूजा किया जाता है। इसमें हम लोग का भादो का महीना में आता है, इसमें हम लोग का गांव समाज ठीक रहे, हम लोग का धान जो खेती में लगाता है वो भी ठीक रहे। इस तरह से हम लोग को इस तरह से बागान के क्षेत्र में हम लोग चाय बागान से जुड़ित है, चाय बागान भी हम लोग जंगल झुड़ में काम करता है, उससे भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसके लिए भी हम लोग सुरक्षा रखते हैं। इसलिए यही सब बात है हम लोग का। आपका क्या नाम है? हमारा नाम पंचन उरांव। क्या है आप? मैं करम पूजा प्रेसिडेंट हूँ। पूजा कर कितना उत्साह है और काले करण पूजा करल जा है? एक तो हमने भाई कर बहिन है की तो बहिन लेकिन हमने उन्नति करी लाके कोई जगह कोनो गाड़ी चक्रा में कोनो नहीं होवी, कोनो जगह जाए के टक्कर उकर हो जाए, केकरो से झगड़ा झाटी नहीं लागी कोई के हमार भाई, लेकिन हमने उन्नति करी ला कि करम पूजा करी ला। का का विधान है? हमने कर विधान है कि मोर भाई कोनो जग कोनो हो के ना कोनो हो। विधि का है पूजा कर? विधि तो करम पूजा करी ला। धान में सब ठीक ठाक हो? धान पान सब ठीक ठाक होवेला हमने के। अच्छा कितना खुशी है करम पूजा कर? बहुत खुशी है बेटा, तो हनी कर आशीर्वाद से हमने बहुत खुशी पावीला। का नाम है ग्राउंड? राउन नाम का है? बचैन लोहार। आप लोग युवती हैं और करम पूजा को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जाता है? हम लोग बहुत खुशी हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। आप लोग बहुत खुश हैं इस पूजा से? हाँ। आपका क्या नाम है? सुलेशा। कितना खुशी है आप लोग? बहुत खुशी होगा। तो आप लोग अभी नृत्य वगैरह भी करेंगे? हाँ। रात भर नाच गान होगा? सुबह तक नाच। हाँ, जब गंगा में दहाई देगा ना हमारा करम रजा को, तब जाके अपन अपना अपना घर जाएंगे। अच्छा कितना उत्साह है ग्रोरे मन? बहुत बहुत खुशी लगा थे करम पूजा करके, फर्स्ट टाइम करा था मैं, पहले तो नहीं गए, पर बहुत अच्छा लगा। 9 दिन का उपवास। भाई है? एक तो भाई है, एक तो दादा है। अच्छा, दोनों के लागी करा था? हाँ, बहुत दादा भी बारे है। नाच गान हो भी? हाँ, यहाँ पूजा हुई बाद में। का नाम है? प्रिया उराव।